नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A76 वर्सेस Samsung Galaxy A23 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A76 में 6.47 इंच जबकि Galaxy A23 में 6.51 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A76 में 2.98 इंच जबकि Galaxy A23 में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो A76 में 189 ग्राम जबकि Galaxy A23 में 195 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि 76 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A76 में IPS LCD जबकि Galaxy A23 में TFT LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A76 में 6.56 इंचेस जबकि Galaxy A23 में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A76 में 720x1612 और Galaxy A23 में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A76 में 83.48% जबकि Galaxy A23 में 82.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A76 में 269 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy A23 में 400 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 76 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy A23 की बात करें तो इसमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A76 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy A23 की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A76 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Galaxy A23 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 6 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 610 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो A76 में 6GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy A23 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A76 में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy A23 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो A76 में Android V11 जबकि Galaxy A23 में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A76 में 2 कलर्स जबकि Galaxy A23 में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A76 में 1 ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,499 रुपीज़ में मिल जाता है। वही अगर बात करें Galaxy A23 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,499 रुपीज़, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपीज़ में मिलते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो A76 में 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें सैमसंग गैलेक्सी A23 की तो उसमें 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी A23 आगे है, मेन कैमरा में गैलेक्सी A23 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी A12 है, दूसरा शाओमी रेडमी नोट 10 प्रो है, तीसरा ओप्पो A53 2020 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी 8 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।